फाइनली भाई आज तो हैं चोको सिंह। मुझे ये यहाँ पे बहुत क्यूट लगे हैं। अभी हम लोग बैठे हैं खाने के लिए। कैसा लगा मेरा हेयर? यू लुकिंग क्यूटी। यार शुभांशु अमीर तो हो गया तुम्हें। ये रहता है मुंबई की लाइफ में। बाबू चूहे देखो कितने मोटे मोटे चूहे देखो कितने मोटे मोटे कम। मैं नहीं खाती। और लेबल है वो अपना ही विनिंग रिकॉर्ड। जल्दी जाके चैनल उसे लेबल को भी सब्सक्राइब कर देना। काफी सारे सब्सक्राइबर चाहिए। जल्दी हम उसका नाम चेंज करके हम लोग प्रिंस नरूला करने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता लग पाता कि भाई वो भाई का ही चैनल है। तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो चैनल का विनिंग रिकॉर्ड। मेरा शेखर धो दिया तूने भाई? मेरा शेखर कहाँ है? गरम दूध डाल दिया। वो पीने के लिए सब बनाया था, ये छोड़ के जा रहा था। कह रहा अब मैं जा रहा आराम से। हाथ मत फुकवा लियो उसमें। हाँ देख ले अभी भागा फिर। बाबू प्लीज समझो ना। बाय बाय। फाइनली भाई आज तो हैं। फाइनली हम आ गए। फाइनली हेयर कट कहाँ पे? हेयर कट में। सुब्रो तो कर देगा आज तेरा। फाइनली गंजा कर दे। कर देते हैं गंजा कर दे। कोई चक्कर नहीं। ले जाना वो खुशी और यूवी वगैरह से ना बाल कटेंगे सब में बटेंगे। असली विवेक तो ही रहा अब। मुर्गा काट दिया भाई साहब। ये ना गुठली निकल आई अब। सब करने के बाद गुठली बाहर आ चुकी है। बहुत चला। अभी हम कराते हैं हेड वॉश, उसके बाद देखते हैं फाइनल। चोको सिंह अभी बाद में स्टाइल आएगा। ये देख ये ना बाल ऐसे बेंड हो जाते हैं। हाँ वो ये छोटा लेगा तो हो जाएगा। ऊपर जब मैं ऊपर बनाता भी हूँ ना तो कोई बात लंबा दिखता है कोई बात छोटा तो बैठता ही नहीं। दिन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत लेट हुई है बट कोई बात नहीं। और फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होने वाला है कि मैं बहुत तगड़े वाली शॉपिंग करने जा रही हूँ। मतलब कि जो मैं अकेले तो क्या, विवेक के साथ भी हम लोग फैमिली को लेके जाते हैं, बट अभी हम लोग जा रहे हैं मैं और दी सिर्फ, और उधर से आ रहे हैं भाभी। क्या लेने वाले हैं क्या नहीं लेने वाले हैं वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। हमने एक चीज बोल के विवेक से एटीएम कार्ड लिया था और मैंने 70 चीजें और जोड़ ली थी। मुझे हिल लेना। वो क्या क्या लेना वो आगे पता चलेगा। तो अभी हम लोग निकलते हैं, भाभी की वेट कर रहे हैं, वो आने वाले हैं। और आज मैंने कुछ ये आउटफिट वेयर करी, आप लोगों ने पहले भी देखी होगी बिकॉज मैंने ये पहले पहनी थी। बट आई एम सो सॉरी, पहले मैं हर दिन आपको एक नए आउटफिट में मिलती थी, बट मेरा पूरा सामान पैक है, उसको अनपैक करने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए वेट, जब तक के लिए पुरानी आउटफिट से काम चला लो। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। तो अभी हम लोग आ गए हैं शॉपिंग और आप सोच रहे हैं मुझे कौन शूट कर रहा है, मुझे दी शूट करनी है। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे हमारा जो घर का सामान लेने, उसके बाद हम लेंगे हमारे फूल का सामान। सो गाइज, मैं और दी आए थे मॉल में और हमें अचानक से यहाँ पे मिल गए हैं भाभी और आंटी। आप लोगों ने दी के ब्लॉग में देख लिया होगा, बहुत मजा आ रहा है। अभी हमें थोड़ा आइडिया और मिल जाएगा। पहले 2 के दिमाग थे, अब 4 के दिमाग हो गए क्या लेना है हमें क्या नहीं लेना। तो अभी हम पता नहीं सेक्शन में क्यों घुसे, क्योंकि हम पहले वॉशिंग मशीन देख रहे थे। गाइज अब आप लोग हमारे साथ चलो वॉशिंग मशीन में। गर्ल्स आउट नहीं करते हैं। गर्ल्स नहीं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। वैसे मैं मैरिड हूँ, आप? अच्छा मैरिड तो सारी मैरिड है। क्या कह रही थी? मतलब मैं कुछ कहना, जो भाभी है ना, जहाँ आदमी लोग नहीं है वो सब अनमैरिड नहीं थी, लेकिन सही है यहाँ की ये फायदा हो गया। हाँ। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो अभी दीदा को देखो, दीदा जिम वेयर अभी से पहन के आ गई। क्यों
क्योंकि इनको ये मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। मजाक बना रहे हैं, आजकल चल रहा है ना हमारे जो पैक्स आते हैं तो उनके सामने वॉक कैसे करना होता है, तो मैं ऐसे वॉक करती हूं। मैं बात समझ गए होंगे। मैं समझ गई। विवेक को ना कुछ बॉक्स पसंद आए थे ऑनलाइन, वो कुछ ऐसे ही थे, अब इस वजह से मुझे लेने हैं, बट मैं सोच रही हूँ पहले घर सेट कर लें, किचन बाद में सेट होगा है ना, पहले तो बड़े सामान लेने, तो अभी हम लोग फटाफट जा रहे हैं नीचे सामान लेने। मुझे ये यहाँ पे बहुत क्यूट लगे हैं, इसमें हम चिली रख सकते हैं और ये दो बहुत ही क्यूट है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं सोचूँ इसमें रखेंगे क्या, फिर मैंने दिमाग लगाया कि हम अलग से शुगर लेते हैं वो रख सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है विवेक ने मना किया कि शुगर अगर बॉयल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अलग से मत डाला करो, तो इसमें मैं क्या रखूँगी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे क्यूट बहुत लग रहा है, मैं सोचूँ ले लूँ। मुझे अपने घर के लिए ऐसे ही टेबल लेना है कि एक टेबल के नीचे दूसरा टेबल चला जाए, बट ये वाला डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं और ऑप्शंस देखती हूँ। एक हमें ये वाली पसंद आई और ये वाली पसंद आई, बट मैं माँ को कॉल करके पूछूंगी कि उनको कौन सी कंफर्टेबल लग रही है, तो फिर वही लेंगे। इतना हम आरो देख लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने में, मुझे बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है, तो हमारी जनता पार्टी सारी जा रही है खाने, भाभी बिजी शॉपिंग में, तो हमें जो बड़ा सामान लेना था हम सोच रहे हैं आंटी के साथ लेते हैं, क्योंकि मुझे और दी को कुछ नॉलेज नहीं है, पहले हम कुछ खा लेते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं खाने के लिए और दी ने मुझे डांट के भगा दिया, मैंने बोला कुछ ना, मैं भाभी को लेके दी चलो ना दी इतना यहाँ से कुछ ले दे, मैं आपका बर्गर दी का बर्गर उधर पकड़ आती, दी वहाँ पीछे पहुँच गई, मारूंगी बहुत, कह रही मैं कभी भी छोटों को कुछ करने नहीं दी, तो मैंने बोला दी मैंने अपना टिफिन घर से पैक करके लाया करूँगी अब से, क्योंकि ना दी जिस दिन से हम लोग आए ना ऐसा हो रहा है, जब भी हम लोग देने लगते हैं कहीं भी कुछ दी। आंटी जी आपको मेरे खाने को देख के पता चल गया होगा मैं घर का खाना कितना मिस करती हूँ, मैं बाहर आके भी सब्जी और रोटी ऑर्डर करी है, मैंने खाने में पंजाब दिख रहा है ना, मेरे में चाइना नजर आता है, मैं खाने में तो पंजाब आता है। तो अभी मैं और दी आए थे जिम वेयर लेने, लेकिन यहाँ पे जिम वेयर हमें पसंद नहीं आया, तो मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ली है। हम लोग गए थे शॉपिंग करने गए थे, वॉशिंग मशीन ये वो नहीं लेके आए, बाकी सब कुछ लेके आए, और दूसरी चीज कि विवेक बोलने लगे कि मैं उनको बार बार फोन कर रही थी ये लूं वो लूं, फिर वो कह रहे कल साथ चलेंगे तब ले लेंगे, इसलिए अभी हम जा रहे हैं जिम और साथ में उनके कपड़े भी लेके जा रहे हैं। सो फिलहाल मेरा हेयर कट हो चुका है डन, अच्छे जाके आप लोग घर दिखाऊंगा, लेकिन बहुत तेज लगी हुई थी भूख, क्योंकि डाइट लेके अब चलते हैं सीधा वर्कआउट करने। पाजी डॉक्टर को मार रहे हैं लोग क्योंकि वो अपने क्लिनिक खोलने में थोड़े डिले करती है, तो बंदा अगला बंदा चल रहा है अपने घर पे नहीं रह सकता, नहीं बढ़िया बहन दिया, और हाँ दुनिया में कुछ भी हो रहा है भाई आज की डेट में, भाई सही में ही मतलब हम देखते हैं ना दिन भर पाजी एक नई अपडेट है, कोई कुत्ते को मार रहा है कोई कुछ कर रहा है, भाई अजीब है दुनिया, जो जानवर को मारता है उसको तो गोली मार देनी चाहिए सरकार की तरफ से, क्या चल रहा है यार पता नहीं लोगों का भयंकर, मतलब डॉक्टर पीट दिया क्लिनिक में घुस के, डॉक्टर मैं कुछ और बात बताने लगा था पाजी ने नई चीज बता दी, जिस उसके घर में ही पड़ गया कि वो लेट आया थोड़ा सा पीट रहे लोग उसे। चलो भाई फिर हम अपना डाइट लेते हैं, डाइट लेके सीधा निकलते हैं अपना वर्कआउट करने थोड़ी देर में। कैसा लगा मेरा हेयर कट? यू लुकिंग क्यूट, 3 साल नीचे लग रहे हो, मतलब वैसे 27 का भेजा था 24 का हो गया है। सेक्सी लड़का इन द बैक, मतलब अभी सेक्सी बॉय, मतलब कि कल तक मुझे ऐसे इनसिक्योरिटी नहीं थी कि जिम में खेले जा रहा हूं, कौन सा कोई लाइन मारेगा, ऐसा लगा साथ आना पड़ेगा, अभी तक दिखाते हैं मेरे बेस्ट। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वर्कआउट करने, और हाँ गजब की बात बताऊं पाजी, पाजी सैंडो बाद में निकाल लेंगे, पहले में पाजी ये दो लेके आई हूं मैं, ये कूल है ना ये पहनोगे, ये तो पाजी की ठाला ही शायद, नहीं नहीं ये तो वो मेरा गंदे वाला है, नहीं ये धुले हैं बाहर धुले लाई हूं। अच्छा फिर ठीक है, अभी हम प्रोटीन लेने वाले हैं थोड़ा सा, अभी चिकन खाया हम लोगों ने, प्रोटीन लेंगे। सो गाइस अभी हमने सोचा था कि हम जिम के बाद जैसे रोज वीडियो बनाते हैं वीडियो बनाएंगे, लेकिन ना दीनी भी आज लेग्स लगाई है, मैंने भी लेग्स लगाई है, तो मैंने दी को बोला दी नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये चीजें मेरी खत्म हो चुकी है, लिटरली खत्म हो चुकी है, तो अभी चलते हैं बैक टू हाँ। ये आ तो मोटो स्लीपर लाई मेरे लिए, वाओ नाइस, मैं आपके लिए लेने वाली थी पर वो कह रहे हैं गर्ल्स है, सुन गया ए, हाँ भाई शुभांशु, शुभांशु के लिए टी शर्ट लाई क्योंकि राखी भाई बहन, आपने चार्जिंग पे लगाने को दिया था ना, लगा रखा है उसने, सॉरी। सो क्या नाम लेते हैं, ये शुभांशु की टी शर्ट है, इसकी टी शर्ट बेचारी गंदी हो रही है, तो हम लोग कल वॉशिंग मशीन खरीदने वाले हैं, तो तब वॉश होंगे, सारे दबा के वॉश कर लेंगे, मेरे कपड़े बहुत सारे गंदे हैं, ठीक है यार बहुत कूल लग रही है। बाबू कौन सी कंपनी के हैं उन्होंने, बुड्ढी कंपनी कौन सी है, उसमें से लाए वो कौन सा है यार, शुभांशु अमीर तो हो गया तुम्हें, ठीक है बढ़िया, बाबू मेरे लिए कुछ लाए, मेरे लिए लिटरली कुछ नहीं लाए मेरे लिए, ये रहता है मुंबई की लाइफ में भाई, बहुत बार इतना स्ट्रगल हो जाता है, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इधर से घुस जाऊं गाड़ी में आके, तो मैंने एकदम से क्या किया,
इधर से आके घुसा, इधर से घुसा, बिकॉज उधर मेरे पास थोड़ा सा एरिया था वहां से घुसने का। लेकिन बारिश की स्पीड आप देख सकते हो, नेक्स्ट लेवल बारिश है। आई रियली लव रेन एंड सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड काफी मजा आ रहा है। वाओ, पाजी के वर्कआउट में थोड़ा टाइम लगना था इसलिए मैं घर आके चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बैठे रहते हैं। कोस पाजी को लिटरली आज 2 घंटे का वर्कआउट था। कोस पाजी थोड़ा सा कटिंग पे जा रहे हैं अभी, मेरा थोड़ा सा टाइम है कटिंग का, 10-15 दिन बाद मैं कटिंग शुरू करने वाला हूँ। कोस बहुत एक्स्ट्रा फैट है मेरी बॉडी के ऊपर अभी भी, लेकिन पाजी ने बोला 10-15 दिन बाद शुरू करेंगे तेरा। पाजी ने अपना भी वर्कआउट डेडिकेटेड वर्कआउट शुरू कर लिया है तो उनको इसलिए लेने जा रहा हूँ। सब लोग घर पे पहुंच चुके हैं, खुशी, दीदी, शुभांशु सब लोग, लेकिन पाजी को लेके आते हैं जल्दी से। यस, एवरीवन वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो काफी दिन हो गया, मैं ऑलमोस्ट 10 दिन हो गया हमें मुंबई आए, लेकिन ना कोल्ड ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अंकल का दिया हुआ मैं प्राश खा रही हूँ, सब खा रही हूँ, पी रही हूँ, लेकिन सही नहीं हो रहा है। सो एज ऑलवेज ये लोग जा रहे हैं अलग और मैं और दी जा रहे हैं अलग, पता नहीं। तो ये कहाँ जा रहे हैं, एक मीटिंग में जा रहे हैं और मैं और दी जा रहे हैं डिकैथलॉन, क्योंकि मुझे ना मेरी जितनी भी जिम आउटफिट है सारी गंदी हो गई थी, सब धुलने को गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नई ले लूँ। तो अभी हम लोग मैं और दी आए हैं डिकैथलॉन शॉपिंग करने, क्योंकि गर्ल्स का वही चलता रहता है। मेरे को तो ऐसा है कि जिम वियर ले लूँ, क्योंकि मेरे सारे जिम वियर धुलने के लिए जा रखे हैं। तो अभी हम कुछ शॉपिंग करते हैं, लेट्स सी कौन सी शॉपिंग करने वाले हैं हम, ज़्यादा ले जाएंगे ताकि हमें 2-4 दिन बाद फिर से आना पड़े, है ना। मेरी शॉपिंग हो चुकी है डन, मैंने 3 दिन के कपड़े ले लिए, लेकिन मुझे दी मिल ही नहीं रही, दी इधर उधर हो गया शायद कहीं, और मे बी उनका फ़ोन साइलेंट है, उनका फ़ोन लग नहीं रहा। बट जब लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई थी उन्होंने बोला था मैं एग्जिट पे हूँ, तो अभी मैं एग्जिट पे जाकर उनको चेक करती हूँ, फिर हम जाएंगे फटाफट जिम, फिर शूट भी करना है। दीदा को मैं ऊपर ढूंढ रही थी, दीदा पता नहीं कौन से एग्जिट से बाहर आ गई। बैक टू होम, और काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली, अब जाएंगे जिम। मैंने अभी नोटिस किया हम चारों ने ब्लैक ब्लैक पहना, ब्लैक 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 और मैं ब्लैक। सो ये दोनों रेडी है, और एक बात बताऊँ, एक चीज़ जो हमारे जीवन में पिछले 6-7 दिन से सही चल रही है वो जिम है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और उधर से पाजी भी रेडी हो चुके हैं, पाजी पहनने वाले हैं ब्लैक, और हम पाजी ने ब्लैक येलो पहना, मैंने कंप्लीट ब्लैक पहना है, खुशी ने ब्लैक पहना, जितने ब्लैक पहना, ब्लैक 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 पहना। गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं जिम, बहुत मुश्किल से हम लोग 7:30 बजे से रेडी है मैं और दी, और अभी बजने वाले हैं 9:30 जब शॉपिंग करके आए तभी से रेडी बैठे हो, दोनों वेले सुबह से रेडी, कितने काम, हम कब से हैं रेडी तैयार, मना लो सैया जिम कॉल से। सो वर्कआउट हो चुका है डन, एंड अभी हम लोग आ चुके हैं डाइट लेने के लिए। और डाइट लेने के लिए हम लोग 1.5 घंटे का ट्रैवल करके आए हैं, और फिलहाल हमारा पहले ऑर्डर होगा, उसके बाद डाइट होगी रेडी, और फिर हम लोग खा के जाने वाले हैं घर पे, क्योंकि अभी मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो चुका हूँ। मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं मैं और पाजी, पर पाजी ने शुरू कर दी है, मैं शुरू करने वाला हूँ 3 या 4 दिन बाद, को अभी मैं डेडिकेटेड वर्कआउट कर रहा हूँ। एंड भाई हम लोग छोटे मियाँ को लेके, मैं तो बड़े मियाँ हूँ। एंड मेरा हेयर कट कैसा लगा, बियर्ड कैसी लगी, न्यू लुक कैसी लगी, वो आप लोग प्लीज कमेंट करके बता देना। जिम कर रही, तगड़ी कसरत कर रही हो आप भी, यानी जो तो मैं इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे वो बनना थोड़ा आपका बॉडीगार्ड टाइप समथिंग, बॉडीगार्ड टाइप समथिंग, मतलब पता नहीं क्या, लेकिन मैं ध्यान दे रही हूं अपने आप पे, डी से सीख रही हूं कुछ कुछ। शुभांशु तेरे फोटो कहां-कहां खींचने बता रहा था तू अभी? एक तो ये पहला सिनेमा दिखा मैं इंडिया का, इंडियाज़ फर्स्ट सिनेमा, हां ओके, और एक वो IRTC का मेन ऑफिस है, ओके वहां पे। सीरियस क्यों हो गया इतना इधर से? और एक काला घोड़ा है उसके ऊपर बैठ के खींचा, काले घोड़े के ऊपर तेरे दुलत्ती ना मार दो, नहीं अब तो पत्थर का बनवा दिया, पत्थर का बनवा दिया यार, ये कितना बढ़िया है ना, देखना है क्या वो मेरे एंगल देख, है ना ये कितना प्यारा हुआ ना, ऐसा लग रहा है देख के उस खिड़की से बाहर करे तू, यूके तो अभी जा नहीं पा रहे, तो अभी यहीं से पाजी, यूके तो अभी जा नहीं पा रहे, तो अभी बस यहीं से फील ले लेते हैं बस। यहाँ से सीधे जाके, और यहाँ सीधे जाके राइट मारो तो यूके दिखता है सीधे ऑन राइट। खाने में ऑर्डर उसने कहा यहीं लूंगा आके, अरे यार तब तो मेरे पेट के चूहे बाहर आके, मतलब अपना डिनर खुद करके, आपके पेट में चूहे हैं, कीड़े होते हैं लोगों के पेट में, मतलब कीड़े।
अच्छा मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये होटल ताज और इसके सामने गेटवे ऑफ इंडिया। तुम्हारी गाड़ी तो धुलेगी नहीं लाइफ में, ऊपर वाला बारिश करके ही धोएगा, ठीक है ना। अब ये तो प्रूफ हो चुका है, सारे जितने फैंस है ना वो सब मुझे बोलते देखा बारिश ने धो दिया। अरे देखो मैं एक चीज बताऊँ आपको, कम दीदा आज मैं से डिसलोकेट हो गया था, बनवा के लाया हूँ। ये जो लाइट है अपनी कल चेंज हो जाएगी तो फिर अपनी पहले जैसी हो जाएगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार को तो अजीब एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं किया बता के, बट हाँ, बिकॉज एग्जैक्टली बस वरना दो ही चीजें होती है एक्सीडेंट में, या तो आदमी बच जाता है पटक जाता है, तो बच गए तो मजा आ गया। बाबू चूहे देखो कितने मोटे मोटे, चूहे देखो कितने मोटे मोटे, कम 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 दिखे 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 और वो अंकल वही सो रहे, बताओ कहाँ वो रहे। आप कितने पैसे ले सकते हो बस उस खंबे का हाथ लगा के आना, मैं 1 रुपया भी नहीं। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, मजाक चढ़ गया भाई जी, भगवान कसम मत करना, मैं सच बता रहा हूँ, लेके जा रहा ये मर जाएगी इसके ना, ये लाइफ में ना आज तक इस चीज से डरी में मर जाएगी। फाइट हो गई थी चूहे के साथ, इतना मोटा चूहा और घर पे आ गया, मैं नहीं भैया प्लीज। तो चूहे की जिंदगी मैंने पहली बार हाथ पकड़ना, हाथ खड़े होते हुए उसकी उंगलियां पहली बार देखी, जब वो चिल्ला के बोलने लगा सच्ची में चूहा खड़ा होके दो टांगों बोला था भाई मुझे छोड़ दे, फिर वो लिफ्ट से भागा है, लिफ्ट में थी 2-3 फीमेल और वो तो निकल के ऐसे खड़े होके गया वो दो टांगों पे लिफ्ट में, फिर आवाज आई मुझे लेडीज की वो इंसिडेंट में। आपको डर नहीं लगता ना चूहों से इतना, ज्यादा लगता है कम, मतलब आप जैसे आपकी मुंडी डाल दो चूहे डाल सकते हो ऊपर से, मतलब खतरों के खिलाड़ी टाइप वाला नहीं कर सकते, गिल गिले से लगे तो फिर क्या कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। पाजी एक बार मसल दिखा दो चलो सबको, फिर हम 15-20 दिन बाद। अरे नहीं ऐसे बस ये अब देखना, इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है 15 दिन बाद नेक्स्ट लेवल होने वाली है। हम लोग खाना खाने के लिए घर से 1 घंटा दूर गए थे, ये कोई बात है, ये पनीर भुर्जी तो मैं घर भी खा लेती, ये तो छोटो भी बना देता पनीर भुर्जी। तो गाइस पाजी ने आज प्रॉमिस करा था खुद से एक कि मैं जल्दी सो जाऊंगा, और जल्दी ऐसी है कि 3 बजे तो हम घर पहुंच जाएंगे, उसके बाद मुंह धोना है सब कुछ करना है तब जाके। सुपा जी कैसा लग रहा है पाजी से? आप लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पाजी, क्योंकि अपने चैनल पे नहीं बोलते कुछ, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरे का स्क्रीन टाइम मिल जाएगा? नो वे ब्रो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड कल हम माँ के भी टिकट कराने वाले हैं, सो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। कल ही बताऊंगा आप लोगों को क्या प्लान होने वाले हैं, सो काफी मजा आने वाला है आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स में, क्योंकि राजा एंड माँ सब लोग मुंबई का मतलब मजा लेने वाले हैं, मुंबई घर पे रुकने वाले हैं, एंड हाँ वो भी पक्के शिफ्ट होने वाले हैं इधर, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं कल एक नए